गुड मॉर्निंग 10th क्लास। प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर शुरू कर दिया था सत्ता की साझेदारी, और उसमें हमने दो केस स्टडी की थी, बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों में हमने जातीय बनावट देखी, ठीक है। बेल्जियम के अंदर हमने क्या बनावट देखी थी बेटा, ये अंडरलाइन करेंगे कि इसमें 59% जो हैं फ्लेमिश इलाके में कौन रहते हैं, डच, ठीक है। जो डच हैं वो कितने परसेंट लोग हैं, 59, और वेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं 40%, ठीक है। और अकेले ब्रुसेल्स के अंदर कितने हैं बेटा, 80% लोग हैं, यानी जो 40% टोटल पॉपुलेशन में फ्रेंच है, उस 40 का 80% लोग जो है ब्रुसेल्स, जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें रहते हैं। और इसी तरह श्रीलंका में सिहली है जो 74% पॉपुलेशन वाला एरिया को पाई करते हैं, और 18% है तमिल, जिसमें श्रीलंका के भी आ जाते हैं और भारतीय मूल के भी आ जाते हैं, और जो 7% है वो है क्रिश्चियंस, जो ईसाई धर्म को मानते हैं। और मैंने इसमें बताया भी था आपको कि जो दो तरह के तमिल्स हैं वो कैसे सेटल्ड हुए श्रीलंका में। अब इनकी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब दोनों ही देशों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और वहाँ पर पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है कि जो मेजोरिटी में है, जो बहुसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक के ऊपर हावी हो सकते हैं, अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। तो इन दोनों केस स्टडी में हम देखेंगे कि सरकार ने जो डोमिनेंट सोसाइटी है, यानी कि बेल्जियम में डच हैं और श्रीलंका में तमिल हैं, उनकी डोमिनेशन को कैसे ख़त्म करेंगे सरकारें, क्या ऐसा पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाएंगे, क्या वो जो है सफल हो जाते हैं अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर हो जाते हैं तो फिर उसमें क्या माहौल बनता है समाज के अंदर, अगर नहीं कर पाते तो सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा। तो यही चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, कि पावर शेयर होती है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, पावर शेयरिंग नहीं होती तो कंट्री के अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं बेटा। तो श्रीलंका की केस स्टडी पहले देखते हैं। श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवाद मीन्स जिनकी संख्या ज़्यादा होती है बेटा, उसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। यहाँ साइड में बॉक्स में दिया हुआ है, इसको आपने इम्पॉर्टेंट जो है की वर्ड बोलते हैं इनको, ये भी पढ़ने आपने, इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बहुसंख्यकवाद क्या है या जातीय जो बनावट है वो क्या है। तो बहुसंख्यकवाद क्या है, यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे, ये जो है आपने सारा टॉपिक नोट करना है अपनी नोटबुक में, जो भी साइड में बॉक्स में दिए होते हैं बेटे, ये की वर्ड्स हैं और आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। बहुसंख्यकवाद में सिंपल लैंग्वेज में तो कहते हैं कि बहुसंख्या यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है पॉपुलेशन के अंदर, उसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। और इसकी हमने टेक्निकल टर्म जो है याद करनी है कि कोई समुदाय अगर बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है बेटा। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं रीड करना, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका बेटा 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, ये कंट्री भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, जैसे हमारे देश में भी ब्रिटिश रूल था, ऐसे ही ब्रिटिश रूल जो था श्रीलंका के अंदर भी था, और एक साल बाद इसे स्वतंत्रता मिली थी हमारी कंट्री से। और इसमें जो सिहली समुदाय के नेता हैं वो किस पर जो है ज़्यादा जोर देते हैं, बहुसंख्यकवाद पर, यानी जो सिहली हैं 74% है पॉपुलेशन में, वो चाहते हैं कि उनका ही देश के ऊपर कब्जा हो, शासन हो, क्योंकि वो संख्या में क्या है बेटा, ज़्यादा। इसलिए लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार है सिहली समुदाय की, वो अपनी प्रभुता अपना शासन लागू करने के लिए हर तरह के प्रयास करती हैं। फिर इस प्रयासों में उन्होंने क्या किया, 1956, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो उनकी अपनी भाषा थी तमिल, सॉरी सिहली,
उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, राजभाषा, यानी सिहली भाषा को राजभाषा बना दिया। अब इसी भाषा में पूरे देश के जो भी कार्य होते थे भी वो इस भाषा में होंगे, और जो तमिल थी उसको सेकंड लैंग्वेज भी नहीं बनाया। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में देखो पंजाबी जो है सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है बेटा, इंग्लिश। तो हमारे यहाँ वैसे भी 22 जो लैंग्वेजेस हैं उनको मान्यता है, उन्हीं 22 लैंग्वेजेस के अंदर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं, टेस्ट वगैरह हैं जो सेंट्रल लेवल के या कंट्री लेवल के, उसी 22 लैंग्वेज के ऊपर जो है वो बेस्ड होते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक ही लैंग्वेज कंपलसरी कर दी, राजभाषा घोषित कर दी, सिहली। और दूसरा उन्होंने क्या किया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में उन्होंने किसको प्राथमिकता दी, सिहलियों को, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी या गवर्नमेंट जॉब थी सबसे पहले किसको इम्पोर्टेंस मिलती थी, जो सिहली भाषा से बिलोंग करते थे या सिहली जाति से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर कोई सीट्स वगैरह बच जाती थी तो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग थे वो अप्लाई कर सकते थे बेटा, ठीक है। और तीसरा क्या है, उन्होंने एक संविधान में यह प्रावधान यानी कि यह एक कानून बनाया और बौद्ध मत को जो है संरक्षण दिया, क्योंकि सिहली जो थे उनका एक रिलीजन था बौद्ध, तो उन्होंने बुद्ध धर्म कंपलसरी कर दिया कि जितने भी यहाँ रहेंगे वो बौद्ध धर्म को मानेंगे। जैसे सऊदी अरब है वहाँ पर भी ये कंपलसरी है कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो अपने रिलीजन को ना तो प्रोपोगेट कर सकते हैं ना वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब श्रीलंका तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस होते हैं, उसके बावजूद भी देखो यहाँ पर उन्होंने जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उन्होंने अपनी सब बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर कानून के रूप में मनवा ली। पहला क्या किया, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें उन्होंने भाषा कंपलसरी कर दी, फिर विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के अंदर तम जो सिहली थे उनको इम्पोर्टेंस दी, और इसी तरह संविधान के अंदर बौद्ध धर्म सबका धर्म बना दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये नए कानून आए तो श्रीलंकाई जो तमिल थे, जो तमिल लोग थे, इन कानूनों को देखकर जो है वो नाराज़ हो गए। उन्हें ऐसे लगा कि ये देश उनका देश ही नहीं है, बेगानेपन की जो फीलिंग्स थी जो उनको महसूस हुआ कि वो बेगाने हैं यहाँ पर, वो वाला एहसास जब जैसे ही आया तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर सरकार के प्रति जो है असंतोष पैदा हो गया। अब उन्होंने क्या स्टेप उठाया, उनको ऐसे लगा कि अगर राजनीतिक पार्टियां बन गई या नौकरियों में रिजर्वेशन हो गई या भाषा जो है उनकी भाषा को वैल्यू ना मिली तो इस कंट्री में जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, तमिल और जो सिहली थी आपस में उनमें क्या हो गए, जो लड़ाई झगड़े और कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गए बेटा। श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने अपोज किया, विरोध किया सिहलियों का, और डिमांड की कि उनकी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, ठीक है, ये डिमांड्स की उन्होंने। इन डिमांड्स को लेकर ही उन्होंने संघर्ष किया, तो ये भी आपने अंडरलाइन करना है कि उनको राजनीतिक पार्टियां बनाई जाएं, तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा रोजगार में समान अवसर, ये जो मांगे थी उन्होंने रखी और उसके लिए सरकार का विरोध किया। अब क्या हुआ कि तमिल जो थे आबादी वाले इलाकों में उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, यानी कि जहाँ पर सिंह तमिलों का ज़्यादा प्रभुत्व था वहाँ पर भी ये बातें नहीं लागू हुई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। और फिर 1980 के दशक में क्या हुआ, जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका जो था उसमें एक तमिलों ने एक इल्म सरकार बनाई, और वो सरकार जो थी वो राजनीतिक स्तर पर विरोध करने के लिए तैयार हो गई। क्या मतलब है इसका, कि उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने तमिल इल्म के नाम से रखा, ताकि ये पार्टी जो है वो अपनी डिमांड को पार्लियामेंट के अंदर रख सके।
अब श्रीलंका में दोनों समुदायों में क्या हुआ, आपस में टकराव तो चल ही रहा था क्योंकि वो आपस में खुश नहीं थे, और उनमें गृह युद्ध, जब लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो देश के अंदर ही वो क्रांति कर लें या कोई विरोध करें तो गृह युद्ध जैसी पोजीशन आ जाती है। ठीक है, ऐसा ही श्रीलंका में हुआ क्योंकि श्रीलंका के जो बहुसंख्यक लोग थे सिंहली, उन्होंने दूसरे जो धर्मों के लोग थे उनको कोई महत्व नहीं दिया, सारे कानून अपनी फेवर में बनवा लिए, तो तनाव का ये मेजर कारण था कि वो डिससेटिस्फाइड थे सिंहलियों को लेकर तमिल लोग। फिर क्या हुआ, जब गृह युद्ध की पोजीशन हो गई, आपस में लड़ाई झगड़े मारकर शुरू हो गए तो हजारों लोग मारे गए, और क्या हुआ, अनेक परिवार जो थे वहाँ से जो नहीं लड़ पा रहे थे या नहीं फेस कर रहे थे ऐसी सिचुएशन को, तो वो क्या किया उन्होंने, वो श्रीलंका का इलाका जो है छोड़कर दूसरे जो है देशों में चले गए, और इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा लोग जो है उनकी गृह युद्ध की वजह से उनकी रोजी रोटी रोजगार छिन गया। ठीक है, और 10th क्लास में भी हमने अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है के मामले में श्रीलंका जो है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या माहौल रहता है गृह युद्ध का, जिस देश में युद्ध जैसी पोजीशन है या उसके देश के लोग ही सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या होता है फिर बेटा, वो डेवलपमेंट जो वर्क्स है वो रुक जाती है, विकास कार्य रुक जाता है। मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने ही है, अभी किसान कर रहे थे जो विरोध कर रहे थे सरकार का, तो 3-4 महीने जो सर्दियों में बैठे रहे धरने के ऊपर, तो लोगों का आना जाना या जो कमोडिटीज़ थी उनका भी आना जाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, लोग परेशान हो चुके थे भी कैसे ये तंबू उठाएं और हमारा जो है जो भी वो फसल है जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं वो दिल्ली सप्लाई कर सके, तो रुक गया काम। देखो टोल टैक्स जो है वो बंद हो गए, सरकार की इनकम बंद हो गई, विकास कार्य रुक गए, कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है कंट्री के अंदर तो क्या होता है जो भी विकास कार्य हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि उन झगड़ों में ही उलझ जाती है सरकार, उनको ही सॉर्ट आउट करने में लग जाती है, तो डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो नहीं हो पाते, और ये सिचुएशन जो है गृह युद्ध की आज तक इसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि जो तमिल हैं उनको सरकार ने बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं और वो शांत बैठ गए। तो क्या हमें समझ आया, सत्ता की जो साझेदारी थी श्रीलंका में नहीं हुई, समानता का अधिकार नहीं मिला, इस वजह से वहाँ पर अशांति और गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया बेटा। अब बेल्जियम की स्टोरी देखते हैं, बेल्जियम की हमने बनावट देखी थी, अब यहाँ की सरकार ने जो लोगों के मुद्दे थे जो उनकी डिमांड थी उनको कैसे पूरा किया बेटा, बेल्जियम की समझदारी देखो, बेल्जियम के जो नेता थे वो श्रीलंका से एक अलग रास्ता अपनाने का उन्होंने फैसला किया, और उन्होंने जो क्षेत्रीय अंतर थे यानी कि जो फ्लेमिश एरिया था, वेलोनिया एरिया था, उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो वो क्षेत्रीय अंतर थे और सांस्कृतिक विविधता को भी स्वीकार किया, यानी कि तीनों कम्युनिटी के लोग जो उनकी परंपराएं जो उनकी संस्कृतियां थी सबको इम्पोर्टेंस दी, जैसे हमारी कंट्री में भी सभी धर्मों को सभी भाषाओं को जो है बराबरी का दर्जा है बेटा, इसलिए सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी संस्कृति अपने जो उनके रीति रिवाज हैं वो मानते हैं और उनको सरकार जो है कोई इंटरफेयर नहीं करती। ऐसे ही बेल्जियम में भी हुआ, जर्मन डच और जो फ्रेंच थे उनकी संस्कृति को बराबरी का दर्जा दिया गया और जो क्षेत्रीय अंतर थे उनको भी मिटा दिया, हम चाहे हरियाणा में रहें ठीक है, चाहे हम पंजाब में रहें, हम रहेंगे क्या भारतीय। तो ऐसा ही बेल्जियम के अंदर था, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में कोई भी कम्युनिटी का है, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, उनको बराबरी का दर्जा है, हम जैसे कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी ऑक्यूपेशन कोई भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, तो जहाँ जहाँ भी इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर रहकर हम जो है कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेल्जियम में जो वेलोनिया क्षेत्र था, फ्लेमिश इलाका था, वहाँ लोग आसानी से आ जा सकते थे, कोई बंदिश नहीं थी, कोई जो एंट्री है उसके ऊपर
फिक्स नहीं था कि यहाँ फ्रेंची आएंगे या डच आएंगे बेटा। तो उन्होंने देखो जो विविधता थी और जो लोगों की ज़रूरतें थी उनके लिए उन्होंने 1970 अंडरलाइन कर लें इसको भी, 1970 से लेकर 1993 कितने साल हो गए बेटा, 23 साल। तो इन 23 सालों में संविधान के अंदर 4 संशोधन किए, कितने किए, 4 संशोधन। अब इन संशोधन में उन्होंने क्या अपनाया, क्या चेंजेस की पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने चेंजेस की ताकि किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो, सब मिलजुल कर रहें, ठीक है, और जो भी व्यवस्था बने, जो भी कानून बने सबके लिए समान हो। और बेल्जियम जो था इसी मॉडल को फॉलो करता है। 4 जो चेंजेस आए थे, पहला चेंज देखो बेटा, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, ठीक है, संविधान के अंदर ये उन्होंने कानून बना दिया कि चाहे डच 59% हैं, फ्रेंच जो है 40% हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर संख्या है लीडर्स की वो बराबर बराबर रहेगी। जैसे हमारी कंट्री में भी बेटा लोकसभा जो है उसमें 550 सदस्य जो हैं चुने जा सकते हैं, ठीक है। अब 550 में अगर हम देखें तो सभी कम्युनिटीज़ के लोग जाते हैं, हमारे देश में कोई 3 जातियों के लोग नहीं रहते, हमारे देश में विविधता है, वैरायटी है, चीज़ में भी बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आ जाती हैं, तो उनकी रिजर्वेशन कर दी, उनकी फिक्स सीटें कर दी। 550 सीटों में भी 79% जो 79 सीट जो हैं वो किसको मिलेगी, अनुसूचित जातियों को, और 41% जो 41 सीटें हैं वो किसको मिलेंगी, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ जिन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है बेटा। तो उन्होंने बेल्जियम के अंदर भी जो है क्या किया, बेल्जियम के अंदर इस संविधान में बराबर बराबर जो है जो संख्या थी केंद्र सरकार के मंत्रियों की वो बराबर कर दी। और जब भी कोई कानून बनना है, ये नहीं कि मेजोरिटी है, यहाँ तो सिंपल मेजोरिटी होती है भी, कानून के लिए यस कह दी तो कानून बन गया। वहाँ पर क्या किया भी, मान लो कोई भी सिंपल से सिंपल कानून है उसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग जो है बराबर होने चाहिए। मान लो उस वक्त कानून जब पेश किया गया है तो 40 मेंबर्स हैं, तो 20 फ्रेंच स्पीकिंग और 20 जो डच स्पीकिंग पीपल होंगे तभी जाकर वो कानून बनेगा। तो वहाँ पर भी बराबरी जो है संख्या में रखी गई, और कोई भी जो डिसीजन है वो बिना मेजोरिटी के नहीं होगा, ये डिसाइड किया गया। सेकंड संशोधन क्या किया गया, केंद्र सरकार ने अनेक शक्तियाँ 2 इलाकों में बांट दी, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार तो हो गई ब्रुसेल्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जो स्टेट्स हैं बाकी उनके अंदर भी जो है पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी कि राज्य सरकारें भी बनाई गई और वो केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं थी, यानी राज्य सरकार को इतनी पावर्स दे दी गई कि वो अपने इलाके में अपने तरीके से कानून लागू कर सकती हैं। तो वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती। हमारे यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 3 टाइप्स की हमारी जो है पावर शेयरिंग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन जैसे ही किसी स्टेट के अंदर मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है या गवर्नर बोल देता है राज्य का कि यहाँ का जो मंत्री परिषद है बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा, तब इंटरफेरेंस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटा। तो यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है बेल्जियम के अंदर, राज्यों को भी शक्तियाँ दे दी और केंद्र के पास भी शक्तियाँ हैं। थर्ड देखो, ब्रुसेल में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। अलग सरकारें कौन सी हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट।
तो फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को के प्रस्ताव को स्वीकार किया और डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया बेटा। तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया। ये देखो दोनों ही लैंग्वेज में नोटिस लगे हुए हैं, यानी दोनों भाषाओं को वैल्यू मिली। श्रीलंका में एक भाषा को मिली थी। अब यहाँ पर देखो दो जो है साइन बोर्ड लगे हुए हैं और दोनों ही जो है अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो इक्वल इम्पोर्टेंस है डच और फ्रेंच लैंग्वेज को। फोर्थ देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक और तीसरे स्तर की सरकार बनी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी सरकार, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तीसरे स्तर की सरकार बेल्जियम में कौन सी बनी? सामुदायिक सरकार, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि रूरल एरिया में अलग, टाउन्स में अलग। रूरल में क्या बनती है? पंचायत। और टाउन्स के में क्या बनती है? म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। जैसे टाउन की पॉपुलेशन होती है उसके अनुसार ही म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती है बेटा। तो इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काउंट किया जाता है। अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, स्टेट गवर्नमेंट बना दी और एक ऐसी भी गवर्नमेंट बनाई तीसरे स्तर की जिसे सामुदायिक सरकार बोला जाता था। इस सरकार को राइट क्या मिले कि वो अब किसी भी जो संस्कृति है, भाषा है, ठीक है, शिक्षा है, इन मामलों को लेकर वो डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ पंचायत में देखो क्या डिसीजन ले सकता है सरपंच? वो गांव के अंदर जो भी विकास कार्य हैं वो करवाएगा, उसके लिए वो जवाब दे रहे होगा। लेकिन छोटे मोटे मामले निपटाने का उसको अधिकार है, बड़े क्राइम सीधे कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर उनको तीन टॉपिक दे दिए, संस्कृति, शिक्षा और भाषा। इनके ऊपर वो क्या कर सकते हैं बेटा? डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब बेल्जियम का जो मॉडल है वो कुछ जटिल है, क्योंकि बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये जटिल है। यह व्यवस्था फिर भी बेहद सफल रही है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो रही है। चाहे हमें समझने में परेशानी आ रही है इसकी कि सेंट्रल स्टेट कैसे काम करती है या सामुदायिक सरकार को अलग से क्यों दे दिए मुद्दे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो लोकतंत्र है वो सफल है। और जो गृह युद्ध की पॉसिबिलिटी श्रीलंका में बनी वो बेल्जियम में नहीं बनी, ठीक है। तो बेल्जियम जो है भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता या उनमें अशांति फैल जाती या गृह युद्ध हो जाता अगर वहाँ की सरकार जो है समझदारी से, विवेक से डिसीजन ना लेती बेटा। तो ब्रुसेल्स का ये मुख्यालय है, देखो ये ऑफिस है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वर्क होते हैं, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है बेल्जियम और श्रीलंका की, दोनों हमने स्टोरीज पढ़ी हैं और इसका जो एनालिस्ट किया हमने, क्या इसका रिजल्ट निकलता है कि दोनों ही डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता की साझेदारी में दोनों ने अलग अलग तरीके से जो है उपाय किए। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए, लेकिन श्रीलंका में इससे उल्ट हुआ। उन्होंने क्या किया? बहुसंख्यक समुदाय जो था वो दूसरों पर हावी होने लग गया। उन्होंने सत्ता में उनको हिस्सेदारी न देने का डिसीजन लिया, तो क्या हुआ? देश की एकता संकट में पड़ गई बेटा। ये कार्टून्स वगैरह जो है रीड कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन गुड बाय।